सो यस गाइस, अनदर टाइम एमवी वे का एक और नया रिएक्शन वीडियो आ चुका है। रिएक्शन वीडियो तो आ चुका है, वीडियो सॉन्ग आ चुका है जिसका ना जो है आई थिंक रिश इज़ द आर्टिस्ट जिसके साथ यह सॉन्ग है और आई थिंक म्यूजिक वीडियो भी है। वो गाने का नाम है अक्सर। ये अक्सर इज़ द सॉन्ग। हैशटैग 15 ऑन ट्रेंडिंग इन 3 डेज। 3 डेज में मिलियन तो नहीं क्रॉस किया है, रिव्यूज़ तो बहुत अच्छे सुनने में आ रहे थे लेकिन मिलियन अभी क्रॉस नहीं किया। तो लेट्स सी गाना कैसा है। स्टार्टिंग में तो फर्स्ट डे में तो बहुत सारी हाइप देखने को मिली थी पहले 1-2 दिन में, लेकिन 3 दिन के बाद देखा 1 मिलियन टच नहीं किया। तो फिर लेट्स सी किया क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है गाने में। ठीक है, चलो लेट्स गो। चलो भाई, कमर्शियल लूफी सेट टाइप का लग रहा है कि ऐसा जाने वाला है गाना, देखते हैं। मेरी आंखों में जो दर्द मैं छुपाता, तूने देखा नहीं क्या। एक सेकेंड, ये गा कौन रहा है, एमी गा रहा है या फिर रिश? बहुत ही सिमिलर साउंड कर रहा है, एमी जैसी वॉइस लग रही है लेकिन वोकल रिश दिखा रहा है यहाँ पे। अरे भाई, ये सुनने में अच्छा लग रहा है वैसे। क्या मेरे कहने पे निशाना जो लगाया तूने लगा नहीं क्या। अच्छा, आंखों पे लगा जो पैरा, ना हूं मैं गिरा जो गहरा, उतरा है उतरा जो तेरा ये चेहरा। अरे नाइस, होता ये अक्सर, होता ये अक्सर, पता तो है तुझे, पता तो है ना। अरे यार, एक सॉन्ग था। अरे यार, ऐसा ही ऐसे ब्लैक सी हल्की हल्की लाइट आ रही थी। वो एमी वे का ही सॉन्ग था किसी इंग्लिश सिंगर के साथ, बाहर के सिंगर के साथ। भाई वो गाने ऐसे था, लुक इन टू माय रियरव्यू मिरर प्रेजेंट करके शायद से कोई आर्टिस्ट था उसके साथ। गाने का नाम नहीं पता, अलोन या लोनली करके था भाई, बिल्कुल वैसा साउंड कर रहा है। वो गाना भी बहुत प्यारा था, बहुत सही था। वैसा ही एमी का साउंड भी यहाँ कर रहा है, गाने का पूरा जोन वही जा रहा है भाई, और कितना सही है। पर वापस से सुनो भाई, ये जो इंट्रो ख़त्म होता है, ये इंट्रो या हुक है शायद से, ये ख़त्म होगा ना यहाँ पे जहाँ से एमी का वर्स शुरू होता है, वो भी बहुत सही, बहुत नहीं बोला कभी मेरे लिए, हर बार ताने तूने दिए लेकिन मैंने सहके लिया। अच्छा, गलतियाँ तो छोटी मोटी होती रहती, तू तो रोती रहती, हर बातों पे कैसी है तू देख लिया। बस चाहती है मैं जियो तेरे वश में, छोड़ दो सभी को ना। कैसी है तू देख लिया भाई, सहके लिया। गलतियाँ तो छोटी मोटी होती रहती, तू तो रोती रहती, हर बातों पे कैसी है तू देख लिया। तू बस चाहती है मैं जियो तेरे वश में, छोड़ दो सभी को ना रहूं मैं किसके टच में। जैसी लगी तू हालांकि वैसी नहीं है तू, धीरे धीरे आने लगा है मुझे समझ में। अक्सर ही अक्सर अब लिखता हूँ अक्षर में, कलम को पकड़ के कसकर, भारी पड़ जाता मैं सब पर, हाल के मैं ले जाना मुझे अब तू बस कर। आंखों में देखने की कोशिश न कर, वापस से जीने मिलेंगे वो पल, यादों में जीने की कोशिश न कर, मुसाफिर मैं कर रहा सफर। मेरी आंखों में जो दर्द मैं छुपाता, तूने देखा नहीं क्या। फूल बन भाई, अरे अरे, मेरे कहने पे निशाना जो लगाया तूने लगा नहीं क्या। एक नंबर।
भाई बहुत सही, बड़ा बड़े भाई बढ़िया सॉन्ग निकाल दिया भाई एमिवे ने तो, ये बहुत बढ़िया निकाल दिया, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार निकाल दिया यार ये तो। इसमें प्रोड्यूसर कौन है, वेल लेट मी चेक, प्रोड्यूसर आकाश, आकाश कहाँ है, वही है क्या ये आकाश भाई, वी एफ एक्स भाई, वी ब्रेक भाई, बहुत मज़ेदार यार ये तो ये सॉन्ग। एमी देखो बहुत सारे भी बीच में लोफीज निकाल लें, ठीक है, प्रॉपर एक कमर्शियल सॉन्ग इसको मैं बोलूँगा, ठीक है। रीज़न बीइंग जैसे एमी को तुमने बहुत बार देखा होगा, मुझे ये गाना इसलिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, ऑल दो एमी के पुराने लोफी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सॉन्ग भी स्पेसिफिकली मुझे ज़्यादा बेटर क्यों लग रहा है, बिकॉज पहली बात तो इसमें मेलोडीज़ का बहुत सही खेल है, ठीक है, मेलोडीज़ बहुत अच्छी डाली गई हैं। एमी का जो वॉइस है वो जैसे एमी कभी कभी मैंने देखा अभी रिसेंटली कुछ सॉन्ग्स में, ही वॉज गोइंग लोफी जहाँ तक कोरस और हुक होता है, उसके बाद वो वापस एक हार्ड वॉइस आ जाती थी, वो वॉइस मेरे को पसंद नहीं आ रही थी सम वॉट, लेकिन इसमें बहुत ही लाइट, बहुत ही वो वॉइस को ऑटो ट्यून करके बहुत ही, और एमी ने भी उसको बहुत ही सटल तरीके से गाया, टेक्स्चर वो वाइब वो फील मेंटेन हो रही है, लाइट चली गई है तो वो वाइब मेंटेन हो रही है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट कि एमी को हमने बहुत बार देखा है कि इस लोफी सॉन्ग्स में भी जहाँ पे वो सैड बातें भी कर रहा है वहाँ पे मुंबई के स्लैंग्स में अपने बातें कर रहा है, जो कि मेरे को कई बार नॉर्मल साउंड नहीं करता है बिकॉज वो उस तरीके के जोन में, हाँ आई अंडरस्टैंड कि मुंबई में वैसा होता होगा, लेकिन अगर आप कमर्शियल पूरे नेशनल लेवल पर जा रहे हो, सॉन्ग डालना चाहते हो जो कि कमर्शियल हिट बने, तो उसमें आपकी थोड़ी सी नॉर्मल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ स्लैंग्स होने चाहिए ताकि वो सबको उतना ही तरह का वाइब दे, बिकॉज नॉर्मल हम लोग बॉलीवुड में वही सुनते हैं ना। रिश का हुक बहुत सही साउंड कर रहा है, एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट द सॉन्ग इज यही कि बहुत ही स्वीट स्पॉट 3 मिनट का सॉन्ग रखा हुआ, 2 मिनट 52 सेकंड का सॉन्ग है शायद से, एंड आई गेस दैट इज बेस्ट, पब्लिक को बिल्कुल परफेक्ट टाइम है ये जिसमें चीज़ें बिल्कुल ग्रैस्प कर लेती है पब्लिक, ठीक है। 2 बार हुक आता है, एक इंट्रो हुक बहुत अच्छा, आउट्रो हुक और अच्छा, एमवे का छोटा सा वर्स बेस्ट है भाई, सब कुछ पब्लिक को याद रहता है लाइन टू लाइन। कमर्शियल हिट होने के भाई बहुत फैक्टर्स है इस सॉन्ग में, जहाँ पे यू कैन ऑल्सो सी की जो हुक है बहुत अच्छा लिखा गया, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, और वो पब्लिक सुनेगी रिपीट करेगी ऐसा होगा। थिंग इज़ दैट कि इंस्टाग्राम हिट होने के इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आई डोंट नो अभी 3-4 दिन हुए अभी इंस्टाग्राम पर उतना देखने को नहीं मिल रहा है, बट इस गाने में प्रॉपर हर चीज़ है, एक बहुत प्यारा हुक है, एक प्रॉपर वाइब है जो कि सैड वाइब, जो कि इंस्टाग्राम पर लड़के वीडियो बना सकते हैं, स्लोमो वीडियो बना सकते हैं, एक प्रॉपर स्टोरी बन सकती है इस पर, लिरिक्स ऐसे जिस पर भाई लड़के अपना मतलब एकदम खतरनाक सा इंस्टा रील्स वगैरह बना सकते हैं। आई डोंट नो कब मार्केट हिट करेगा ये, बट जब भी करेगा इट विल गो मिलियंस, अभी थोड़ा सा नंबर कम लग रहे कंपेयरिंग टू एमी के चैनल से, एमी के बिकॉज नॉर्मल सॉन्ग्स इतने दिन में तो 2-3 मिलियन आराम से मार जाते हैं, इट हैजंट हिट 1 मिलियन सो फार, लेट्स सी क्या होता है। बाकी दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, तुम बताना तुम्हें कैसा लगा, नई वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय, पीस, बाय। I'm not the one who's running away.